अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम काशिफ अली है और आप देख रहे हैं अर्निंग टॉक्स। ठीक है, तो अभी हम अभी थोड़ी सी गिग और रहती हैं जो कि डिस्कस करनी है। उसके बाद ये जो प्लेलिस्ट है वो ख़त्म होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्लेलिस्ट शुरू करेंगे हम बिज़नेस के बारे में। फ़िलहाल इसको ख़त्म करें। तो आज की जो हम गिग इधर डिस्कस करेंगे, अल्लाह आपका भला करे, वो है फोटो रिस्टोरेशन। ये रही फोटो रिस्टोरेशन, अगर सबको आपको पता होगी ठीक है तो और अच्छा समझ लीजिएगा, और अगर आपको नहीं पता है ज़रा तो इसके बारे में ज़रा आप देख लीजिए। ठीक है, तकरीबन 3,000 का इसका कॉम्पिटिशन है। और करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। आपने आपने सिर्फ ये करना है कि ये जो फ़ोटो होते हैं ना, जैसे कि पुराने फ़ोटो होते हैं, अब लोगों को पुराने फ़ोटो पसंद आते हैं। ठीक है, पुराने फ़ोटो जो होते हैं उनकी एक मेमोरीज़ होती है उनके साथ। ठीक है, शादी के फ़ोटोज़ हो गए, उनकी बचपन के फ़ोटोज़ हो गए, तो उनके साथ एक प्राइसलेस मेमोरी होती है। ठीक है, उनको वो क्या कहते हैं कि खोना नहीं चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि आते हैं यहाँ पे फाइवर पे, उनको कहते हैं कि हमारी जो तस्वीर है उसको साफ़ करके और ऐसे नई तस्वीर बना के दो, तस्वीर को रिस्टोर करके दो। तो उससे ये ऐसी तमीज़ होगी तो ऐसे करके देते हैं, साफ़ करके ऐसी होगी तो इसे कलर भी डाल के दे देते हैं। तो ये बहुत आसान काम है, एडोब फोटोशॉप से होता है। आजकल तो बहुत सारे तरीके और भी निकल आए हैं जिससे ये चीज़ें हो जाती हैं, कोई मसला नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ये अच्छा, ये जो चीज़ चल रही है ना, ये जो इस बॉक्स में ये देखें, ये जो हल्का हल्का सा पिंक कलर का बॉक्स है ना, इसमें इसमें ये जो चल रही है ये एड्स हैं। ठीक है, फाइवर ने अभी एक मीन्स कभी नहीं, साल हो गया इसको मेरे ख्याल में, तो ये नया फीचर लॉन्च किया था। इसमें आप कर सकते हैं कि जो फर्स्ट क्या कहते हैं कि अगर आप नई गिग आपकी अगर फर्स्ट सेलर बन गए हैं ना, जैसे कि ये देखें, लेवल टॉप टॉप सेलर है, लेवल टू का सेलर है, टॉप रेटेड सेलर है, लेवल टू का सेलर है। ठीक है, अब जैसे आप लेवल 1 के सेलर बन जाते हैं ना, तो आपको ये क्या कहते हैं कि फाइवर एड्स का ये ऑप्शन दे देता है। आप यहाँ पे एड्स भी चला सकते हैं फिर। ठीक है, उसके फिर पॉइंट्स हैं, कुछ कौनस हैं वो आपको पता चल जाएंगे तो क्या है, क्योंकि अगर आप एड्स चलाते हैं तो अगर आपको काम नहीं आता है और आपको कोई रेटिंग, जैसे इसकी 5 है, इसकी 5, इसकी 5, इसकी 5 है। ठीक है, अगर आपको रेटिंग कोई नेगेटिव रेटिंग देता है, नेगेटिव रिव्यू देता है, तो क्या होगा, आपकी यहाँ से गिग जो है वो हट जाएगी। और अगर गिग आपकी यहाँ पे कहीं शो हो रही थी तो वो यहाँ से भी हट जाएगी, वो डीरेंक हो जाएगी वो। ठीक है ना, वो डीरेंक हो जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे आपकी अगर गिग शो हो रही है, अगर काम नहीं आता है तो आप उसको एडवर्टाइज में नहीं चलाएंगे। ठीक है, अगर एडवर्टाइज में चलाएंगे तो वो काम आपको अच्छे से आता हो, और कोशिश करिएगा नेगेटिव रिव्यू ना आए। ठीक है, तो अच्छी सर्विस देंगे तो ही आपका फ़ायदा है ये एड्स का फीचर यूज़ करने का। ठीक है, तो हम ये नहीं खोलेंगे, हम ये खोलेंगे जो ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि असली जो है वो पैसा क्या कहते हैं कि ये फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट रो वाले और सेकंड रो वाले ये पैसा कमाते हैं। ये फीचर अभी आया हुआ है तो ये एडवर्टाइजमेंट जो यूज़ करते हैं उसके पैसे कटते हैं। तो इसके बारे में आपको मैं एंड में, जो ये पूरी प्लेलिस्ट एंड हो जाएगी ना फाइवर के बारे में, तो उसके बाद हम टेक्निकल चीज़ों पे और रैंकिंग चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम गिग के बारे में देख सकते हैं, गिग में क्या करना है हमें। ठीक है, ये उठा लीजिए। अब इस ऊपर जो अपना टॉप जो गिग होती है ना, जैसे कि टॉप क्या कहते हैं कि पेज पे गिग्स हैं, इसको खोलने से इसमें ये पता चलेगा आपको कि इस नीश में जूस कितना है। ठीक है ना, अब हम ये फर्स्ट जो कि ये खोल के देखते हैं। अच्छा, इसमें एक ऑर्डर लगा हुआ क्यों में, और इन्हेंस और बेसिक कलराइज करके दे देंगे इनको, ऐसा करके मीन्स कैसे नहीं, थोड़ा सा बेसिक ये जो देखा है ना चीज़, ये रेस्टोरेशन मैंने कलराइज एंड, ये रेस्टोरेशन एंड कलराइज। ठीक है, जब ये प्रीमियम में जाएगा तो यहाँ से ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक लेवल पे है और प्रीमियम का ये $25 चार्ज कर रहे हैं। ओके, ये आसान काम है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका भी एक ऑर्डर क्यों में लगा हुआ है और ये $10 चार्ज कर रहा है, इसको इमेज को ऐसे बनाएगा। ओके भाई, ठीक है, इसके 5 ऑर्डर्स क्यों में लगे हुए हैं। आई विल रिस्टोर एंड रिटच कलराइज योर ओल्ड एंड डैमेज फोटो।
ऐसे ओल्ड डैम में फ़ोटो को ये इस तरह ये बनाएगा, ठीक है, $10 बेसिक के। और जैसे कि आप सर दिखे हुई चीज़ें पढ़ लीजिएगा, हमारा टाइम थोड़ा कम है तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बिफोर आफ्टर ऐसे बना, ऐसे ये आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आगे चलते हैं, इसके देखें $10 एन क्यू में लगे हुए हैं, ठीक है। विल बी प्रोफेशनल रेस्टोर ओल्ड फोटोज, देखें इस ऐसे इस ऐसे फ़ोटो प्रोवाइड की थी किसी ने, तो उसको ऐसे ने ऐसे बना दिया। तो ये आप महीने में आराम से सीख सकते हैं और यहाँ पे आके सर्विस दे सकते हैं। रैंकिंग का मसला कोई नहीं है, रैंकिंग हो जाती है, ठीक है, वो मैं करवा दूंगा रैंकिंग आपकी, सारे तरीके यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है आखिर में। पर जब तक रैंक नहीं होगी, आपकी गिग यहाँ पे इनके बीच में नहीं आएगी, तब तक आप पैसे नहीं बनाओगे, ठीक है, इतने आपने दिमाग में रख देना, ठीक है। अगर अच्छा ये अगर सीखना है कैसे को लोग सीख सकते हैं, कोई मसला नहीं, इसको सिर्फ कॉपी करना है आपने, यहाँ जाना है, यूट्यूब लिखना है, यूट्यूब खोलना है आपने, ठीक है। यार ये 1 मिनट स्लो क्यों चल रहा है, यहाँ पे लिखना है हाउ टू फोटो रिस्टोरेशन इन फोटोशॉप, और जैसे भी आप फोटोशॉप में इसको करना है वो फोटोशॉप में लिख सकता है। और जैसे ये रिजल्ट आएंगे आप देख लीजिएगा, ये देखें, इसको भी देख लें, 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 इसको एटलीस्ट 10 वीडियो आपने देखनी है, तो आपको बात समझ में आएगी ये क्या चीज़ है और कैसे होती है, और बेसिक समझ में आ जाएगी। फिर आप ये फोटोशॉप डाउन करके उसको खुद ट्राई करके देखिएगा, आपको भी आ जाएगा, कोई उसका मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है ये, ठीक है। तो जब ये आप सीख जाओ ठीक कैसे करते हैं काम, उसके बाद आप गिग बनाइएगा, फिर उस गिग को रैंक कीजिएगा फेक रिव्यू लाकर, ठीक है ना। वो बाद में डिस्कस करेंगे किसी क्या कहते हैं कि और वीडियो में, तो रैंक की वीडियो में कैसे रैंक करेंगे, कैसे रिव्यू लाते हैं हर चीज़। तो फिलहाल आप इस पे ध्यान दें कि इसको पहले सीखें, उसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी ना उसको उसको देखें, ठीक है। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चले कौन कौन सी वीडियोस आ रही हैं, ऐसे ना हो कि रैंकिंग वीडियो आए और आपको पता ही ना हो, ठीक है ना। तो बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो जैसे आती है फिर पहले सीख लीजिए आप, उसके लिए गिग बना लीजिए, गिग बन गई ठीक है, उसके बाद हम मेरी रैंकिंग की वीडियो देख के फिर रैंकिंग शुरू कर दीजिएगा आप, और इंशाल्लाह आपको ऑर्डर ज़रूर आएंगे, ठीक है। ठीक है फिर हम आपसे मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक रहें अपना रखें अपना ख्याल और आगे बढ़ते रहें। अच्छा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ वैल्यू नज़र आए इसमें, अगर लाइक करते हैं ना मेरी मोटिवेशन और बढ़ती है और मज़ा आता है मुझे आपके साथ ऐसी जो नई नई ट्रिक्स होती हैं या तो ऐसी गिग्स होती हैं और नए नए तरीके आने वाले हैं, कैसे कैसे आप ओरिजिनली सेल कर सकते हैं, पैसिव इनकम बना सकते हैं विदाउट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा यहाँ पे जो कि जेन्युइन होंगे, जो कि मुझे जिनका प्रूफ होगा मेरे पास, ठीक है, जो मैंने खुद किए होंगे या तो कोई मेरा दोस्त कर रहा होगा, ठीक है। दुनिया तो बोलती है कि भाई लोगों को नहीं पता ऐसे तरीके, बट मैं यहाँ पे लोगों को बताए नहीं आया हूँ क्या तरीके, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास कितने फॉलोअर्स हैं कितने नहीं हैं, ठीक है। अगर एक भी बंदा अगर ये वीडियो देख के या इन्फॉर्मेशन देख के अगर गिग या वो तरीका करके पैसे कमा लेता है, मेरा गोल पूरा हो गया, ठीक है। वो कहता है ना यार मैंने तुम्हारा तरीका इस्तेमाल किया और मैं इस तरीके से मैं पैसे बना रहा हूँ, तो मेरा मकसद वहीं पे वहीं पूरा हो गया, ठीक है। मेरा सिर्फ यही मकसद है कि पाकिस्तानी आवाम एटलीस्ट कुछ डॉलर बनाए। तो आप प्लीज़ काम कीजिए, पैसे बनाए, टाइम ज़ाया मत करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।